हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे और इस क्वेश्चन में कह रखा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड में सेक थीटा माइनस में टैन थीटा है और हमको प्रूफ करके दिखाना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है ये पार्ट, या फिर इसके थ्रू हम लोग 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड हुआ और ये स्टेप थर्ड हुआ। तो फर्स्ट स्टेप से क्या करेंगे, सेकंड को प्रूफ करेंगे और सेकंड से थर्ड को प्रूफ कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इक्वल टू ऑलवेज सी। देखते हैं हम लोग यहाँ से स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि सेक थीटा प्लस में टैन थीटा है आपका और डिवाइड में सेक थीटा और माइनस का टैन थीटा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको इसको रेशनलाइज कर लेना है। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो आपका गुना सेक थीटा प्लस में टैन थीटा डिवाइड में सेक थीटा और प्लस का अगेन टैन थीटा। ठीक है, ऊपर आपका ए प्लस बी और गुना में ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ऊपर क्या लिख सकते हो आप कि सेक थीटा प्लस में टैन थीटा का डायरेक्टली आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, ठीक है, और डिवाइड में जो आपका आएगा ये आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको ऐसे कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू ज्यों का त्यों ही रहेगा। सेक थीटा आप प्लस में टैन थीटा का वैल्यू ज्यों का त्यों होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये जो पार्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में क्या होता है, वन होता है। डैट मीन्स ये तो आपका प्रूफ हो चुका है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका स्टेप सेकेंड आ चुका है और ये प्रूफ भी हो गया। ओके, अब इस स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेप सेकेंड से स्टेप टू को। तो लिखते हैं स्टेप टू, और स्टेप टू में हमें पता है क्या है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ करना है स्टेप थर्ड के लिए, वन प्लस साइन बटा में कॉस लाना कैसे भी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सेक को हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक बटा में कॉस थीटा, इस सेक को लिख सकते हैं एक बटा में कॉस थीटा प्लस इस टैन को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा और डिवाइड में कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर। ओके, अब नीचे आपका कॉस कॉस है तो एलसीएम निकाल लीजिए, कॉस हो जाएगा आपका ये, और ऊपर आपका बचेगा वन प्लस साइन सिंपली, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। और हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि वन प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही पार्ट आ गया। डैट मीन्स ये आपका थर्ड स्टेप आ चुका है और साथ ही ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और प्यार सा कमेंट कीजिए। थैंक यू।